हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूल्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी जर्नी को, आपकी ट्रैवलिंग को हैसल फ्री कर देगा। तो मैं जिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हूँ उसका नाम है रेलवेज। तो मैं आपको रेलवेज के रूल्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल है रिफंड ऑन तत्काल टिकट से रिगार्डिंग। सो अगर आप तत्काल में टिकट्स बुक करते हो और बाय चांस अगर आपकी ट्रेन जो है वो डिले हो जाती है, तो अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम के लिए डिले होती है या फिर उसके रूट्स में कुछ चेंजेस होते हैं, तो इसमें आप तत्काल टिकट के रिफंड पर क्लेम कर सकते हैं रेलवे वालों से। तो सेकंड है रूल ऑफ 2 स्टॉप्स। तो अगर कोई भी पैसेंजर अपने डेजिग्नेटेड स्टॉप से ट्रेन बोर्ड नहीं कर पाते हैं तो जो टिकट कलेक्टर है वो आपकी सीट को किसी और पैसेंजर को नहीं दे सकते हैं एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स और अंटिल द ट्रेन पासिस नेक्स्ट 2 स्टेशन। तो इससे पैसेंजर किसी भी अगले 2 स्टेशन से अपनी ट्रेन बोर्ड कर सकते। सो थर्ड है स्लीपिंग आवर्स फॉर मिडल बर्थ ऑक्यूपेंट्स। सो जो भी पैसेंजर्स हैं जिनको मिडल बर्थ अलॉट हुई है वो उस सीट का यूज़ सिर्फ और सिर्फ 10 PM से लेकर 6 AM तक ही कर सकते हैं। तो जो लास्ट रूल है वो इंडियन रेलवेज ने अभी कुछ दिन पहले ही निकाला है, विच इज़ रिलेटेड टू बैन ऑन लाउड म्यूजिक एंड टॉकिंग। सो अगर आप 10 PM के बाद, जो कि स्लीपिंग आवर्स माने जाते हैं, अगर उस टाइम पीरियड में आप लाउड म्यूजिक सुनते हो या फिर अगर आप ग्रुप्स में गए हो और ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हो, तो अदर पैसेंजर अगर उससे परेशान होते हैं तो वो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं रेलवे वालों से। सो अगर आपको और किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग योर ट्रैवल, तो आप railmadad.indianrailways.gov.in पर जाकर भी अपनी कंप्लेंट, अपना जो इशू है वो बता सकते हैं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी रेलवेज ने इशू किया हुआ है 139 फॉर सिक्योरिटी एंड मेडिकल असिस्टेंस। So that's it for today's video. Please like this video, share with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Take care, travel safe and bye-bye.